ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਚ ਮੈਂ ਅਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ कटरा च माता वैष्णो देवी दे दर्शन कर पत्र श्रद्धालुआं नाल वापरे हादसा श्रद्धालुआं नूं ले जा रही बस नूं लगी भयानक अग अग लगन नाल झुलसन कारण पांच चार लोगों की मौत दिल्ली विच मुंडका मैट्रो स्टेशन नेड़े इमारत नूं लगी भयानक अग अग लगन नाल भी मौतां कई लोग जख्मी बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आगामी झोना सीजन लई लोड़ींदे कोले ते बिजली दे प्रबंधां दा लिया जायजा कहा सारे वसीलियां तों वध बिजली उत्पादन करन ते झोने की सीधी बिजाई लई बिजली की नियमित सप्लाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कटरा विच माता वैष्णो देवी दे दर्शन कर पत्र श्रद्धालुआं नाल वड्डी अनसुखामी घटना वापर गई है। इत्थे एक यात्री बस नूं भयानक अग लगन कारण चार लोगों की मौत होने की खबर है जबकि 22 लोगों के जख्मी होने की खबर है। एडीजीपी जम्मू ने जानकारी देते हुए दस्सिया कि कटरा तो जम्मू जा रही एक स्थानक बस नूं कटरा तो करीब 1.5 किलोमीटर दूर खरमल नेड़े भयानक अग लग गई। बस विच इंजन वाले पासे तो अग लगी जिसने जल्दी ही पूरी बस नूं अपनी लपेट विच लै लिया। केंद्रीय मंत्री जतेंद्र सिंह ने तुरंत ट्वीट कर लिखे कि कटरा विच बस हादसे की खबर मिलते सार ही जम्मू के डिप्टी कमिश्नर बबीता रखवाला नाल गलबात की गई। जख्मियों नूं नेड़े नारायण हस्पताल इलाज लई दाखिल कराया गया। हादसे विच जख्मियों नूं आर्थिक मदद लई हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उधर दिल्ली के मुंडका मैट्रो स्टेशन के नेड़े एक 3 मंजिला इमारत में भयानक अग लग गई। अग लगन कारण तकरीबन 16 लोगों की मौत हो गई है। सारी लाशां बरामद कर ली गई ने। यह अग शाम नूं करीब 4:45 बजे लगी है। स्थानक पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के लोगों नूं बचाना शुरू कर दिता। पुलिस अधिकारियों ने इमारत दी खिड़कियां तोड़ के लोगों नूं बाहर कढ़िया ते जख्मियों नूं हस्पताल दाखिल कराया गया। दिल्ली विच नजायज उसारियां टाउन दा विरोध करने वाले विधायक अमन तुल्ला नूं साकेत अदालत ने जमानत दे दित्ती है जिस तों बाद ओह तिहाड़ जेल विच रिहा हो गए ने। उन्हां नूं 12 मई नूं पुलिस वल्लों उदों हिरासत विच लिया गया सी जदों ओह नगर निगम दस्तियां दा विरोध करन लई कंचन कुंज पहुंचे सन। उन्हां दोष लगाया कि भाजपा गरीबां नूं निशाना बना रही है जदों कि मदनपुर खादर विच कोई नजायज उसारी होई ही नहीं है। पंजाब दे बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आगामी झोने दे सीजन दौरान लोड़ींदे कोले अते बिजली दे प्रबंधां दा जायजा लिया अते पीएसपीसीएल दे सारे वसीलियां तों वध बिजली उत्पादन करन अते झोने दी सीधी बिजाई लई बिजली दी नियमित सप्लाई यकीनी बनाउण दे आदेश दित्ते ने। उन्हां झोने दे सीजन दौरान निर्धारित बिजली सप्लाई देण दी लोड़ ते जोर दिंदिआं सीनियर अधिकारियों नूं कहा कि सीजन दौरान निर्विघन बिजली सप्लाई नूं देण लई लोड़ींदे ठोस प्रबंध मुकम्मल कर ले जाण तां जो किसानां नूं निर्धारित समा सीमा मुताबिक बिजली सप्लाई दित्ती जा सके। बिजली मंत्री ने विभाग दे प्रमुख सकत्तर तेजवीर सिंह सीएमडी पीएसपीसीएल बलदेव सिंह सराते होरना सीनियर अधिकारियों नाल मीटिंग कीती है। इस दौरान आगामी झोने दे सीजन लई लोड़ींदे कोले अते बिजली दे प्रबंधां संबंधी जानकारी लई गई अते विचार वटांदरा कीता गया। उन्होंने पीएसपीसीएल नूं शिकायत निवारण प्रणाली नूं मजबूत करन लई मैन पावर नूं वधाउण अते ओवरलोड ग्रेडा लाइना ते ट्रांसफार्मर नूं डीलोड करन दे हुकम भी दित्ते। पंजाब दी महिलावां नूं 1,000 रुपए लैण लई फिलहाल होर उड़ीक करनी पवेगी। इस संबंध विच विधानसभा स्पीकर कुलतार संधवां दा बयान सामने आया। उन्हें कहा कि सरकार दा खजाना खाली है, पहला खजाना भरिया जाएगा ते फिर ही औरतां नूं 1,000 रुपए महीना मिलणगे। पिछलियां सरकारां ने पंजाब दा खजाना खाली कर दिता है। इत्थे दस दईए कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब विच विधानसभा चोणां तों पहलां आपदी सरकार बनन ते औरतां नूं 1,000 रुपए प्रति महीना देण दी गरंटी दित्ती सी। 18 साल तों वध उमर दीआं महिलावां नूं इह गरंटी देण दा ऐलान कीता गया सी।
ਬਲਾਕ ਮਹਿਲਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਬੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ BDPO ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਲੇੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਮਾਨ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਿਨ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਟਿਨ ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।